नमस्कार दोस्तों, policyplan.com के YouTube चैनल में मैं आपका दोस्त विवेक पवार तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में SIP सही है या लमसम, ये आज हमारे वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिए, शायद हम आपको इजी वर्ड में इसका कंफ्यूजन दूर करेंगे। कौन सा सही है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, या दोनों अच्छे या दोनों सही है, कैसे उसको मैनेज किया जाए। ओके, दोनों में कैसे सही इन्वेस्टमेंट के लिए हम अच्छे उतरे, तो इस वीडियो पे आपको इसका पूरा नॉलेज देने का हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं मेरे बारे में, मैं लगभग 15 से 20 साल तक म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, इसी में काम करते आया हूं। ग्राउंड लेवल पे लोगों के प्रॉब्लम्स, लोगों के क्वेश्चंस को आंसर देने का हमारा प्रैक्टिस है। ओके, तो मैं ऐसा आपको बता सकता हूं कि आपके मन में जो सवाल है वो मुझे पता है, तो इसी के कारण आपको आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर होने के चांसेस है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। तो दोस्तों, पहली तो बात, लमसम और SIP, ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझना बहुत जरूरी है। लमसम मतलब मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करता हूँ। म्यूचुअल फंड में लमसम इज 5000 मिनिमम, ओके, 5000 मिनिमम और उसके आगे कितना भी। SIP जो है वो 100 रुपए से स्टार्ट है, लेकिन आप पकड़ लो 500 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए पर मंथ, पर्टिकुलर डेट को आपके EMI के जैसे जाती है, उसको SIP बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम मतलब वन स्ट्रोक पैसा डालना, जैसे हम FD करते 50,000, 1,00,000, 10,00,000, 50,00,000। ओके, तो देखिए, लमसम और SIP, अभी लमसम हमारे पास पैसा कब आता है, कभी कभार आता है। ओके, लाइफ में ज्यादातर लमसम आता नहीं है, जो रेगुलर इनकम आता है वो मंथली आता है, और उसको हम SIP में हमें फिक्स करना ही किसी भी हालत में करना ही है। भले मैंने कुछ वीडियो बनाए है, SIP में रिटर्न्स आए ना आए, आपका पैसा तो साइड में पड़ना चाहिए। ओके, अभी लमसम की बात करते हैं, दोनों एक टॉपिक सिमिलर वे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लमसम में क्या होता है कि मेरे पास अभी 50,000 है, मार्केट ज्यादा लेवल पे है या कम लेवल पे है, मैं मार्केट का नॉलेज नहीं रखता हूं। ओके, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहते कि मैंने हाई लेवल पे इन्वेस्ट किए, अभी उसकी वैल्यूएशन कम लगती है, तो लगता है यार इससे अच्छा FD में डाला रहता तो कुछ तो मिलता था। तो देखिए दोस्तों, कभी भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, कभी भी, तो आपको अगर इक्विटी में जाना चाहते हो और आपने लार्ज कैप फंड चूज किया है, उसी टाइप के फंड चूज किए, तो आपके पास एटलीस्ट 4-5 ईयर्स का टाइम चाहिए। ओके, अगर आपने स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, सेक्टोरियल ऐसे फंड चूज किए, तो आपको 7-10 साल का टाइम चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे 3 साल वगैरह, तो आपको बैलेंस फंड में जाना चाहिए। ओके, और अगर 1 साल का वगैरह टाइम है, तो आपको बॉन्ड फंड में जाना चाहिए। वो FD के साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, ना कि इक्विटी के बारे में। ओके, तो ये मेन होराइजन की बात है। आपको या कोई भी एक्सपर्ट पर्सन हो मार्केट का, जो टीवी पे आके लोगों को अपनी एक्सपर्टीज बताता है, अपना ओपिनियन बताता है, तो वो गोल 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 आंसर देता है, मार्केट यहां से यहां ऊपर जाएगा तो इतना ऊपर जाएगा, यहां से यहां टूटेगा तो इतना नीचे जाएगा। ओके, और जब मार्केट टूटता है तो सब लोग गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यू कैनॉट टाइम द मार्केट, आप कभी भी बता नहीं सकते मार्केट का क्या होगा, भविष्य किसी का कोई बता नहीं सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। जैसे मैं अभी बताता हूं कि इंडिया की इकोनॉमी आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में ऊपर ही रहेगी, ये कोई भी बताएगा। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि म्यूचुअल फंड में आने के लिए आपको लॉन्ग टर्म ही आपका व्यू होना जरूरी है। तो आपके पास लमसम पैसा हो या SIP हो, दोनों में आपको लॉन्ग टर्म ही आना है। कोई भी वॉरेन बफेट हो, राकेश झुनझुनवाला हो, या कोई भी बड़े बड़े जो मार्केट के प्लेयर्स है, उनसे आप बात करेंगे, उनके जो वीडियोस देखेंगे, उनके बुक्स पढ़ेंगे, तो उनका होराइजन 15 ईयर्स, 20 ईयर्स के नीचे नहीं है। तो अपना भी होराइजन वैसे ही चाहिए। हाँ, बीच में पैसा लगे तो आप निकाल भी सकते हैं। देखिए, मैंने 1,00,000 रुपए डाले और मेरे हो गए 70,000 रुपए, तो मैंने अगर 70,000 रुपए पूरे निकाल लिए तो मेरा लॉस हो गया। अगर मैंने उसको निकाला नहीं तो वो मेरा लॉस बुक नहीं हुआ है, मैंने अभी लॉस बुक नहीं किया है। ये मेन बात दिमाग में आप डाल लो। ओके, मार्केट कभी ना कभी ऊपर आने वाला है, मार्केट चलता है व्यूज पे, न्यूज पे, ओके, सेंटिमेंट्स पे शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स पे मार्केट चलता है। मार्केट के फंडामेंटल स्ट्रांग हो, अपना जो इंडियन मार्केट हो वो क्या है, तो इट्स अ लॉन्ग रन गेम, इस ये बहुत आगे जाने वाला मार्केट है। वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री मतलब हमें
अगर आप सोचे तो यूएस, यूके, जापान, इनकी जीडीपी मतलब इनका जो ग्रोथ हो चुका है वहां तक पहुंचने के लिए हमें 50, 70, 100 साल लगने वाले हैं। तो वहां तक अपने इकोनॉमी को बढ़ना ही बढ़ना है। यहां पे आके हर एक कंपनी पैसा कमा रही है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर ग्लोबली बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग पैसा कहां पे डालते हैं, तो इंडियन मार्केट में जाते हैं। तो हमें कहां पे जाना चाहिए, तो इंडियन मार्केट में ही जाना चाहिए। आप अगर एफडी करते हो तो इकोनॉमी से आपका पैसा आप हटा रहे हो। इकोनॉमी क्या है, तो इकोनॉमी है अपने अपनी जो कंपनीज बनी है, जैसे बजाज ऑटो है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, उसके बाद आप इंफोसिस ले लो, टीसीएस ले लो, एचडीएफसी बैंक ले लो, एसबीआई ले लो, कोई भी आप एक कोई भी कंपनी लो। तो ये कंपनियां अगर नहीं रहेगी तो अपनी इकोनॉमी कहां रहेगी? तो ये कंपनियां मिलकर ही अपनी इकोनॉमी बनती है। तो आप, मैं और आप एसबीआई तो ओपन नहीं कर सकते, रिलायंस की कंपनी नहीं डाल सकते, लेकिन उनके शेयर जरूर ले सकते हैं। किसके शेयर ले उस और किसके ना ले, इतना ज्ञान और इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो हमें म्यूचुअल फंड के पास जाना है। दो कंसेप्ट है, एसआईपी और लमसम। जैसे पैसे आते हैं डालते ही जाने, आप एसआईपी करो, लमसम करो, आपको पैसे इन्वेस्ट करते ही जाने दोस्तों। ये एक आइडिया है सिंपल आपको, लेकिन होराइजन को साथ में दिमाग में रख के जाना है। आपके पास अगर एक साल के लिए पैसा है और आपने इक्विटी में लगा दिया तो मार्केट टूट गया शॉर्ट टर्म में, तो फिर शायद आप बोलेंगे कि विवेक ने गलत सलाह दी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कोई भी, आपको आप रिवर्स में जाके होराइजन चेक कीजिए, बैलेंस फंड के लिए 3 ईयर, लार्ज कैप फंड के लिए 5 ईयर, और स्मॉल कैप मल्टी कैप के लिए 7 ईयर का आपके पास टाइम चाहिए। रही एसआईपी की बात, एसआईपी में तो आपको कभी भी शॉर्ट टर्म में ग्रोथ नहीं दिखती। जैसे मार्केट वी शेप हो गए तो ग्रोथ दिखेगी। वी शेप मतलब मार्केट था पहले 40,000, नीचे उतर के आ गया 26,000 और अभी बन गया 51,000। तो ये वी शेप से भी ऊपर गया। तो इसमें क्या है कि यहां से मैंने पैसा डालना चालू किया, और 26,000 को आया, और यहां पे भी मैं हर महीने डालता गया पैसा और ऊपर भी डालता गया। तो मुझे जितने नीचे इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें तो ज्यादा रिटर्न्स आने ही है। या लमसम की बात करें तो 40,000 पे इन्वेस्ट करके किसी ने 26,000 पे निकाल दिया तो लॉस में जाना है। 26 में डाल के 50 पे निकाला तो दुगना मिलना है। लेकिन ये कभी कभार होता है, नसीब में बहुत कम लोगों के रहता है। 26,000 पे डाल के 50,000, ऐसे बहुत गिने चुने लोग रहेंगे जिन्होंने अपना एक दिमाग लगाया और पैसा कमाया। ऐसा होता नहीं है। जब मार्केट टूटता है तो लोग निकल पड़ते बाहर, जब मार्केट बढ़ता है तो लोग आते हैं। यही मार्केट है। लेकिन हम क्या है, वी आर नॉर्मल इन्वेस्टर, हम लोग एक मिडलमैन पर्सन है, हम कॉमन पर्सन है। हमें हमारे लाइफ का एक गोल, हमारा जो भी है जो उसके अचीवमेंट करनी है, तो उसके लिए क्या है, जो भी मेरे सेविंग्स है उसको मैंने मुझे बचाना है और एक अच्छा इन्फ्लेशन के ऊपर रिटर्न्स पाना है। ये मेरा टारगेट है। तो उसके लिए मुझे बचाते ही जाना है। जिस लेवल पे मेरे उस लेवल पे मुझे एंट्री करनी है। लमसम के लिए आप देखते बैठोगे मार्केट टूटे और तब मैं इन्वेस्ट करूं, पॉसिबल ही नहीं है। और ये आपके लक का भी पार्ट रहता है। लेकिन इसके लिए क्या है दोस्तों, आप पैसा डालते जाओ, जब भी आता है डालते जाओ। यही एक उसका मेरे पास आंसर है आपके लिए। तो लमसम है कभी भी डालो, लेकिन उतने होराइजन के लिए कम से कम रुको, पैसे को टाइम देना बहुत जरूरी है। एसआईपी की बात करें तो एसआईपी को भी टाइम देना जरूरी है। 12वें महीने की एसआईपी को 1 साल के बाद 1 दिन भी नहीं मिला, पहले महीने को 12 महीने मिले। 12 महीने है उसमें, 12 महीने के बाद पहले महीने को 12 महीने मिले, 12वें महीने के इन्वेस्टमेंट को 12 महीने के बाद 1 दिन भी नहीं मिला। तो एसआईपी को भी टाइम देना जरूरी है और लमसम को भी टाइम देना जरूरी है। बीच में जब पैसा लगेगा तभी निकालिए, पैसा बढ़ा है इसलिए मत निकालिए। ऐसा होता है कि अभी तक मैंने 50 लाख डाले है, उसका हो गया लेट से 60 लाख रुपीज, तो बाद में वैल्यूएशन कम दिखता है आपको, 48 दिख जाता है, अरे मैंने निकाले होते तो अच्छे रहते थे। निकाल के क्या करेंगे, कहां पे डालेंगे? ये भी क्वेश्चन है ना, निकाल के आप कहां डालोगे? तो वहीं पे बने रहिए, यही आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट पे लेके जाएगा। एग्जांपल देता हूं आपको, एक फंड है, तो 10 रुपए से अभी 1400 रुपए चल रहा है, तो लेकिन क्या आपको लगता है कि 10 रुपए से 1400 तक कौन टिका रहेगा? ये हुआ है 25 सालों में, तो बहुत बहुत ही रेयरली कोई टिका रहेगा। तो जो एसआईपी हो या लमसम हो, किसकी जीत होगी? जो लॉन्ग टर्म में बना रहेगा। म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में फंड्स है विदाउट प्लानिंग।
और क्या आप इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदते हो तो वहां पे चाइल्ड प्लान, रिटायरमेंट प्लान, प्लान को नाम देकर आपको प्लानिंग दिया जाता है। प्लानिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट मतलब म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में मतलब मुझे घर लेना है तोड़ दिया म्यूचुअल फंड, मुझे शादी करनी है तोड़ दिया म्यूचुअल फंड, बच्चे की फीस भरनी है तोड़ दिया म्यूचुअल फंड। अरे भाई म्यूचुअल फंड को आप तोड़ेंगे तो म्यूचुअल फंड से आपको रिटर्न्स कैसे मिलेंगे? देखिए दोस्तों, मेरे जितने भी इन्वेस्टर है उनका जो एक्सपीरियंस है मैं उसी से आपको बता रहा हूं। किसी भी चीज के लिए आपके इन्वेस्टमेंट को जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड की, उसी को आप हाथ लगाते हैं। तो आप उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए निकालने के लिए और पैसा डालते ही जाइए। आप लमसम डाल रहे हो या SIP, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कभी भी डालो। मार्केट के टाइम को टाइम करने मत जाओ, जब भी आपको पैसा मिले इन्वेस्ट करते जाओ, लेकिन सिर्फ टाइम देना है तो पता लगेगा बाद में मुझे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। देखिए अभी लॉकडाउन नहीं रहता था तो अभी ये सेंसेक्स 50,000 की जगह पे 80,000 होना था, 1,00,000 होना था। ओके, अभी लॉकडाउन नहीं है तो बढ़ना ही है, मार्केट को बढ़ना ही है दोस्तों। ओके, अपनी इकोनॉमी बहुत जान है, बहुत तगड़ा मार्केट है अपना, 10,000 करोड़ से भी ऊपर की SIP लोगों की चालू है और लोगों के पास जैसे FD के रेट्स टूट रहे, जैसे अभी FD 5% से नीचे है तो लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है म्यूचुअल फंड में जाने के अलावा। 60+ जो पर्सन है, 70 वाले लोग है, वो भी अभी बैलेंस फंड में आ रहे, तो कुछ दिनों के बाद FD के रेट रहेंगे 1 या 2%, तो आपको इक्विटी में आना है और बहुत पैसा है अपने इंडिया में, सोना में इतना पैसा लगाते लोग FD में लगाते हैं आज भी, तो लोग इतने आएंगे इक्विटी में तो अपना इक्विटी कहां का कहां पहुंच जाएगा। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते तो हम क्यों ना करें। तो SIP या लमसम तो दोनों सही है, दोनों में दबा के इन्वेस्टमेंट कीजिए। और हमारा ऐप आया है फॉर्चून MF, उसको डाउनलोड कीजिए, हम आपका पोर्टफोलियो बना के देंगे अच्छा खासा। ओके, उसमें रिकमेंडेड फंड्स है, ऐप बहुत अच्छा है, प्लीज यूज कीजिए, हमारे वीडियोस को वॉच कीजिए दोस्तों। आपका टाइम देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।